आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियुक्ति की मांग को लेकर पिकअप भवन में प्रदर्शन कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, जहां पर अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक मंडल परिषद सहित कई वैकेंसी का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिकअप भवन में प्रदर्शन कर रहे थे। लंबे समय से मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी का नेतृत्व कर रहे मारुति सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अभ्यर्थी मारुति सिंह ने। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में युवा रोजगार मांगते हुए दिखा, वहीं विपक्ष के लोग उनकी वकालत करते दिखे और वहीं नई सरकार से छात्र युवा रोजगार को लेकर आशा अपेक्षा लगाए हुए। वहीं आपको बता दें कि सेवा चयन आयोग के तहत 21 भर्तियों की मांग को लेकर आज लखनऊ में छात्र पिकअप भवन पे अपना धरना दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ मारुति सिंह है जो पूरे इस जो आज का धरना है इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मारुति हमें ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आज बैठे हैं। सबसे पहले रिफॉर्म ऑफ ट्रिपल एससी की हम बात कर रहे हैं। रिफॉर्म इसलिए हम कह रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत वर्ष 2015 से लेकर अब तक कुल 21 भर्तियां लंबित हैं। आप समझ लीजिए कि जिन भर्ती प्रक्रियाओं को एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, उन भर्ती प्रक्रियाओं में 5 वर्ष 6 वर्ष समय बीतने के बाद भी उन भर्ती प्रक्रियाओं के अंतिम परिणाम नहीं आ रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्य का विषय है कि हम सभी इस बात के लिए आते हैं कि हमारा अंतिम परिणाम दे दो, हमारा एग्ज़ाम कराओ, हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट दो। जिन आयोगों को, जिन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप भर्ती प्रक्रियाएं पूरी कराएं या भर्ती प्रक्रियाओं के जो भी चरण है, एग्ज़ाम कराना, परिणाम देना, वो जिम्मेदारी का पालन नहीं करें, हमें विवश होकर हमें बार बार धरना देना पड़ा। जी, मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है, मैं मंडी परिषद अभ्यर्थी हूँ और मैं चाहती हूँ मंडी परिषद की जल्द से जल्द डीबी डेट जारी की जाए, क्योंकि ये 2018 की भर्ती है लेकिन अभी तक इसकी डीबी डेट जारी नहीं की गई है, जबकि 30 मई 2019 को इसकी परीक्षा हुई थी, 2 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद हम लोग कई बार आयोग आ चुके हैं लेकिन हमेशा मुझे झूठा आश्वासन ही मिला है कि डीबी डेट आपकी फरवरी में जारी की जाएगी, जनवरी में डीबी करा दी जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती है, इसके पहले कहा गया था कि आपकी डीबी पहले कराई जाएगी, इसके बाद ही जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीबी होगी, लेकिन हमारी भर्ती 2018 की है लेकिन इस भर्ती की डीबी अभी तक नहीं कराई जा रही है और जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीबी चल रही है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ यूपी सीएम से, यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष से, सचिव जी से, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ। हम सब अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। हम सभी अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, क्या कंडीशन है हम आपको बता भी नहीं सकते। ये वही अभ्यर्थी समझ सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो इस भर्ती से जुड़े हैं, जो इस आयोग से जुड़े हैं। हर कोई इस मैटर को नहीं समझ सकता, अभ्यर्थियों की पीड़ा नहीं समझ सकता। सर, हमारी भर्ती है जो 2016 में आई थी और उसको आए हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और हमारी भर्ती है कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम 23/2016, जो नवंबर 2016 में इसका विज्ञापन आया था लेकिन आज तक अभी भी उसकी परीक्षा नहीं हुई है। कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले इसका सिलेबस जारी कर दिया गया था लेकिन फिर उसके बाद आयोग इस परीक्षा को भूल गया और इस परीक्षा को कराने के मूड में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये परीक्षा हो और इसकी एग्जाम डेट आज ही जारी करे आयोग, इसलिए हम सभी लोग, सैकड़ों छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि कंबाइंड टेक्निकल 23/2016 का एग्जाम हो और जल्दी से जल्दी हो। 6 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और कम से कम हम लोग इतनी बार आयोग पे ज्ञापन दे चुके हैं कि अब क्या कहा जाए आयोग के विषय में। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को चरण स्पर्श करता हूं और उनको जीत की बधाई देता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रतीक्षा सूची का 1994 के शासनादेश के तहत इसको लागू किया जाए। प्रदेश में 6 भर्ती बोर्ड है जिसमें से सभी अधिकतर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, सभी में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है, लेकिन वो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष लापरवाही और उदासीन
उदासीनता और रवैया कारण यहाँ पर प्रतिशत सूची का प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं आप सभी आपको विनम्रता के साथ में कि 69 शिक्षक भर्ती में बिना किसी रूल से के वेटिंग लिस्ट आई है और रेलवे में 2019 में वहाँ पर वेटिंग की रूलिंग बनाई गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता से कहता हूँ कि बच्चों का बहुत ज़्यादा यहाँ उत्पीड़न हो रहा, छात्र शोषित वंचित पीड़ित है इस प्रतीक्षा सूची के माध्यम से और कई साल में भर्तियाँ पूरी होती हैं, इससे छात्र हर जगह प्रभावित होते हैं और हर जगह अपना तैयारी जारी रखते हैं, इससे भीड़ बढ़ती है और छात्र शोषित वंचित पीड़ित बनते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जब परंपराएं मनुष्य के शोषण कारण बन जाए तो उन परंपराओं को जमीन में गाड़ कर एक नई परंपरा को उदय करना पड़ता है और नवाचारी जीवन है और शासन का हित समाज के सुख के लिए बना है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्रता से कहता हूँ कि हमारी मांग को पूरा ही किया जाए, प्रतिशत सूची जारी की जाए सेवा चनाग में। हमारा मुद्दा ये है यूपी पुलिस भर्ती की जो लगातार वैकेंसीज निकलती हैं उस पर लगातार अभी देरी की वजह से ये हमारी वन रक्षक पुलिस वन विभाग की पुलिस है जो लगातार वन विभाग की सेवा करती है, इसकी लगातार डेट दी जा रही है, 4 साल से लगातार अभी डेट नहीं दी गई है। इसमें 4.5 लाख स्टूडेंट फार्म भरे हुआ है जो लगातार कई बार धरना दे चुका है और अपनी कई मांगों को यहाँ पर रख चुका, लेकिन यहाँ पर आयोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा लगातार। हम आयोग से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द वन रक्षक की परिच्छति घोषित करें, सरकार के माध्यम से अपनी बात पहुँचा रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए और वन रक्षक की परिच्छति जो 4 साल से लगातार रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इस वक्त हम थे पिकअप भवन पे जहाँ तमाम छात्र अपनी परीक्षा स्कीम को जारी करने से लेकर और उसमें नियुक्तियों को लेकर अपनी मांगों पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार की तरफ से उसका निदान चाहते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभाग सुप्राइम टीवी लखनऊ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।